Hey, welcome back. स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो आज बात करेंगे आईपीओ के बारे में, यानी कि आईपीओ होता क्या है। कंपनी जो है आईपीओ की ओर जाना चाहती है, क्योंकि आईपीओ के बाद जाने से क्या होता है, अगर आईपीओ में आपका कंपनी लिस्टेड है तो पब्लिक की तरफ से पैसा मिलेगा और पब्लिक को आप शेयर दोगे, आप शेयर वैल्यू प्रोवाइड करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि आपने 1 करोड़ का स्टार्टअप क्रिएट किया, और स्टार्टअप अगर आप लिस्टेड करवाना चाहते हो आईपीओ के अंदर, आईपीओ के अंदर भी लिस्टेड होने का बहुत सारा क्राइटेरिया है, उसके बाद ही आईपीओ के अंदर आप लिस्टेड हो सकते हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो कि आपका जो है कंपनी, आपका स्टार्टअप जो है आईपीओ के अंदर लिस्टेड हो गया, तो आप उसमें होता क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर और होता है प्राइवेट लिमिटेड। यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर बैंक से लोन लोगे किसी स्टार्टअप करने के लिए, तो क्या होगा, उसमें आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है उसको लोन। लेकिन अगर आप आईपीओ के अंदर लिस्ट हो जाते हो तो आपका जो है कंपनी को स्केल करने में कोई भी बिजनेस को बहुत फायदा होता है, क्योंकि उसके बाद जो है पैसा का जो है स्रोत आ जाता है। पब्लिक को इसके बदले क्या मिलती है, कोई भी चीज जो आदमी शेयर मार्केट में गया था, शेयर मार्केट में जाने के बाद वो उसका शेयर मार्केट का शेयर जो है खरीद लेता है उस कंपनी का, और उस कंपनी में उसका हिस्सेदारी रहता है। और आपका क्या है, आपको मिल गया पैसा, आप उस पैसे से जो है आप जो है कंपनी को 2x 10x जितना भी ग्रोथ करा सकते हो वो ग्रोथ मिल जाती है आपको। तो आपको मिलती है ग्रोथ कंपनी को और बढ़ाने का, और आपके जो लोग है यानी पब्लिक है जो कि इसके ऊपर इन्वेस्ट किए, उसका जो पैसा जो है उसका जो है इस तरह से 1.5 times 2 times जो है पैसा उसका जो है ग्रोथ होता है। तो इस तरह से जो है आईपीओ के लिस्टेड का फायदा है। नजारा टेक्नोलॉजी जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जो गेम बनाती है, और जिस तरह से क्राफ्टन जो है पबजी को बनाती है, उसी तरह से नजारा टेक्नोलॉजी बहुत सारे गेम को बनाती है, और इंडिया में इसका बहुत सारा क्रेज भी है। इंडिया में जो गेम का इतना क्रेज है कि जिसका नाम ही हटा दो, जिस तरह से पबजी को इसके बाद बैन कर दिया गया, उसके बाद से और भी लेकिन है क्रेज नहीं आ रहा इसका, इसीलिए आदमी थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जा रहा है और भी प्लेटफॉर्म, लेकिन अभी भी पबजी का जो क्रेज है वो दिखता है हर एक जगह पे। तो इसके कारण से जो है ये कुछ इस तरह सोच रहा है कि गेमिंग के बारे में इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे इंडियन का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह से गेम क्रिएट करेंगे उसके बारे में काम करेंगे। तो वो जो है लिस्टेड हो गया है कुछ दिन पहले जो है आईपीओ के अंदर, उससे जो है पैसा मिलेंगे पब्लिक की तरफ से, और पब्लिक के पैसा से जो है ये बिजनेस को जो है स्केल करेंगे। इससे बहुत फायदा भी होता है एक इनिशियल स्टार्टअप के लिए। और किसी भी कंपनी को आईपीओ में लिस्टेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आपका उसका मुश्किल अगर आप उसके लाइक हो, कुछ क्राइटेरिया मेंटेन करना होता है उसका, अगर क्राइटेरिया आप मेंटेन कर लेते हो तो आपका जो कंपनी लिस्ट हो जाएगा। बहुत सारे जो है कंपनी जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आईपीओ के अंदर लिस्टेड हो जाए। तो आईपीओ के लिस्टेड होना बहुत सारा बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। तो ये थी आईपीओ के बारे में जानकारी, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं आप जाना इसी तरह हर रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।